ओके तो गया का मैच और अब के रास्ते अलग और के लिए एक नया अपोनेंट आ गया मीन ऑफ फोर्टी के लिए तो इस में हम लोग बात करेंगे बहुत ही मैसिव चीजों के बारे में ब्रॉक लेनर और गुंथर के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे लेकिन अभी हम लोग चलो स्टार्ट कर लेते सर्वावे सीरीज के टिकट सेल्स को लेकर अब देखो जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो मैंने पहले भी अपडेट्स दी थी पहले फोर्टीन टिकट्स बिक चुकी थी और अब डे बाय डे डब्लू डब्ल्यू जो अपनी टिकट की सेवनटीन तो 17,000 प्लस, से आते आते 17 प्लस फैंस आ रहे हैं यहाँ पे ठीक इस शो को ट्यून करने के लिए आई मीन सॉरी देखने के लिए तो यहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुकी है कि जो सर्वाइवर सीरीज का जो आप लोग स्टेज बोल सकते हो वो इस बार नहीं होगा जो टनल है ना जैसे देखा या फिर कैसा आप लोगों ने समर स्लैम और रॉयल डम्बल में देखा ना एक टेढ़ी सी एक जम रैम्प होती है सिर्फ टनल टाइप का रहेगा जहाँ से एंट्री होगी डायरेक्ट और यहाँ पे पीछे भी लोग बैठे रहते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हो फोटो में तो कुछ इस टाइप का सर्वाइवर सीरीज का मतलब रैंप होगा या कह लो स्टेज होगा और टिकट सेल्स के वजह से मतलब स्टेज में भी फर्क पड़ा है और 17,000 प्लस टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है और आई थिंक 100 दो टिकट बाकी है तो ये कुछ टिकट स्टेटस को लेके भी बात कर ली मैंने तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है बाय द वे नेक्स्ट हम लोग बात कर ले रेंड यूटन की हिल टर्न को लेकर सर्वाइवर सीरीज और वॉर गेम्स मैच में अब देखो कल जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि रैंडूटन अपना हिल टन करेंगे लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज और खुल चुकी है मैं आप लोगों को बताता हूँ कल जैसे कि रैन ड्यूटन का नाम अनाउंस हुआ था आई I मीन mean परसों जो भी मंडे नाइड्रो का शो हुआ था तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्लू ने पहले ही रैंड्यूटन को अनाउंस कर देते कि भाई सर्वाइवर सीरीज में एपेक्सप्रेटेटर रैंड ड्यूटन आ रहे कोडी रोड्स ने बता दिया था ठीक है मंडे नाइट नाइड्रो में तो अब देखो यहाँ पे स्पेकुलेट ये सिंपली से किया जा सकता है रैन ट्यूटन को ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया मतलब रिटन को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनाई सर्वाइवर सीरीज में भी इनका रिटर्न हो सकता था या फिर मंडे नाइट ड्रॉ में भी रैंडन आ सकते थे मतलब रैंडन वहां पर भी नहीं आई यहाँ पे हाईली हाईली पॉसिबिलिटीज ये खुल चुकी है कि सर्वाइवर सीरीज में रैन ड्यूटन कुछ ना कुछ बहुत ही महसूस करेंगे लाइक कोडी रोड्स पे वो अटैक कर सकते हैं जिसमें कोडी रोड्स को वो अपने ही टर्न कर सकते हैं और कोडी मतलब कोडी की टीम हार जाएगी ऑब्वियसली वॉर गेम्स मैच तो ये और... मैसिव सरप्राइज शायद से आपका वेट कर रहा सर्वाइवर सीरीज के लिए इसके ऊपर आप लोग क्या ओपिनियन है क्या आप लोगों को लगता है कि रैन ड्यूटन ऐसा करेंगे इतना मतलब एटीन मंथ के ब्रेक के बाद ठीक है चलो हम लोग फाइनल अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और ये जुड़ी आप लोग की ब्रॉक लेस्नर वर्सेज गुंतर के मैच को लेकर अब देखो इनका मैच तो आप लोग जानते हैं एक सालों से चल रहा है जैसे दरअसल मैंने थर्टी से ही इनके मैच की डिमांड चल गई थी कि भाई गुंतर के साथ मैच कराओ मैच कराओ लेकिन ये मैच फिर हुआ नहीं और अब इसकी पॉसिबिलिटीज फिर मीन फोर्टी को लेके हुई थी और जो कि अब होने भी लग रही थी क्योंकि गुंथर भी बात कर रहे थे और भी कम हो चुकी है क्योंकि गुंथर अब सैथ रॉलिंग से मैच करना चाह रहे हैं और वो अपनी आईसी चैंपियन ड्रॉप करना चाहते हैं उन्होंने खुद ये चीज बोली कि मैं आईसी चैंपियनशिप अपनी ड्रॉप करना चाहता हूं और मैं वर्ल्ड हैवीवेड चैंपियनशिप पिक्चर के पीछे जाना चाहता हूँ ये चीज अब उन्होंने खुद से ही बोला है अपने एक इंटरव्यू में तो अब इनके प्लान्स क्या चेंज हो सकते हैं आगे चल के या फिर गुंथर सेट से मैच करेंगे फिर ब्रॉक से तो इसके ऊपर आप लोगों क्या ओपिनियन आपको क्या लगता है कि गुंथर के मैच ब्रॉक uh, से होना चाहिए फिर सेथ रॉलिन से फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पे पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लिए गुंथर अगर जाते तो उनका एक मैसिव रन देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हैविवेट चैंपियनशिप के लिए और ब्रॉक से मैच होगा तो एक ड्रीम मैच है कि ब्रॉक वर्सेस गुंथर दोनों ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रेसलर तो इनका मैच भी देखने के लोगों का सपना है कि ये मैच हो जाए एक ड्रीम मैच है फॉर रैसल मेन फोर्टी के लिए तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना कौन सा मैच आप लोग को देखना है और गाइस ये वीडियो ये देखते हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में